नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता की। हाथरस में 19 वर्षीय बेटी के साथ धरिंदगी पर बोले अशोक तंवर, बेटी बचाने की बजाय बेटी मिटाने की नीति पर चल रही है सरकार, देश की लोकतंत्र की आत्मा को जलाया। कहा, न्याय की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है और ना ही कानून का खौफ। यूपी मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा है कि पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा बेटी मिटाओ अभियान पर चल निकली है और उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 वर्षीय बेटी के साथ हुआ घटनाक्रम इसी बात की गवाही देता है। डॉक्टर अशोक तंवर आज हुडा सेक्टर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद यूपी व देश के अन्य भागों में इसी प्रकार की अनेक घटनाएँ हो रही हैं जिसमें बेटियों के साथ दरिंदगों जैसे हालात की जा रही है। उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हाथरस में बेटी को न तो वक्त पर उपचार मिला और न ही न्याय। ऐसे में भाजपा शासन स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अशोक तंवर ने कहा कि कैसा देश है जहां अपराधी किस्म के लोग अपनी दबंगई दिखाने में लगे हैं और बगैर किसी कानून के खौफ के खुलेआम घिनौना अपराध करने में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि अपराध मुक्त प्रदेश यूपी में सीएम को तुरंत उनके पद से मुक्त करें। वहीं बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाए जाने वाले मामले में आए हुए फैसले पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं उसी सभी आरोपियों को मुक्त करने के मामले में भी अब लोगों ने न्याय के मंदिर में भी विश्वास हटने की स्थिति पैदा होने लगी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। माहौल तो वहाँ पर ये है कि जो बड़ौदा की जनता है वो बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन जो मुख्य विपक्ष है वो खुद उनसे मिला हुआ है और ये अब चर्चा आम वहाँ पर गांव गांव में है, जन जन में है। जो मुख्य विपक्ष है वो बीजेपी को जिताना चाहता है, तो यही है। अब दबाव में पहली बार तो सरकार हरियाणा की चुनाव करवाना नहीं चाहती थी, उन्होंने तो लेटर में दे दिया था ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी अभी ना करवाए जाए चुनाव। बड़ौदा के उपचुनाव की घोषणा हुई है, जनता अच्छे विकल्प को चुनेगी ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि अगर अतीत में हम देखें तो अच्छे विकल्प के नाभाव में चोर और डकैत में से ही च्वाइस होती है, तो वहाँ की जो सर्वसम्मति से पंचायत फैसला लें, अच्छा उम्मीदवार खड़ा करें और वैसे उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए हम भी जाएंगे। तो माहौल तो वहाँ पर ये है कि जो बड़ौदा की जनता है वो बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन जो मुख्य विपक्ष है वो खुद उनसे मिला हुआ है और ये अब चर्चा आम वहाँ पर गांव गांव में है, जन जन में है। जो मुख्य विपक्ष है वो बीजेपी को जिताना चाहता है, तो यही है। अब दबाव में पहली बार तो सरकार हरियाणा की चुनाव करवाना नहीं चाहती थी, उन्होंने तो लेटर में दे दिया था ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी अभी ना करवाए जाए चुनाव। बड़ौदा के उपचुनाव की घोषणा हुई है, जनता अच्छे विकल्प को चुनेगी ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि अगर अतीत में हम देखें तो अच्छे विकल्प के नाभाव में चोर और डकैत में से ही च्वाइस होती है, तो वहाँ की जो सर्वसम्मति से पंचायत फैसला लें, अच्छा उम्मीदवार खड़ा करें और वैसे उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए हम भी जाएंगे।